हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं जबरदस्त एक गन का। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है रत्ना टॉयज की तरफ से बनाई हुई ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है मिनी और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली जो है एक टॉय गन। तो यहाँ पे ये गन जो है उसका मॉडल नेम है टारगेट गन सुपर पावर गन। 3 साल से बड़े बच्चे इसे खेल सकते हैं और इससे जो है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है बच्चों का डेवलप होता है, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है। और ये जो है स्वदेशी गन है, रत्ना टॉयज जो है काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। तो इसकी जो है प्राइस है 145 रुपीज़। ओके, तो रत्ना टॉयज जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसको जो है अगस्त 2020 के अंदर बनाया गया है। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इससे खेला जा सकता है। इस तरीके से आप टारगेट जो है दो डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट्स जो उसको सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है ये छोटे छोटे ढक्कन जैसा है उसको आप ऑर्गेनाइज करके उसको टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए कि इसके अंदर किस तरीके की गन है। इसके अंदर एक्चुअल में जो है दो कलर्स अवेलेबल है, एक तो ये जो है सेफरन कलर, एक ब्लू कलर। तो जिसको मतलब जो बच्चे को जो भी पसंद है वो मतलब वो ख़रीद सकता है, मतलब उसके हिसाब से कलर चॉइस के हिसाब से। और ये जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपके आसपास के टॉय शॉप के अंदर भी मिल जाएगा। इसकी जो है प्राइस 145 रुपीज़ है। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन केस अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाता है तो आप हमसे भी जो है ब्रांड न्यू प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, बट आपको 145 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस एडवांस पे करना पड़ेगा पेटीएम के ज़रिए। और ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है आपके वहाँ पे पहुँच जाएगा आसानी से। तो गुजरात के अंदर जो है 50 रुपये लगते हैं 1 kg तक कोई भी प्रोडक्ट आपको मंगवाना हो, और गुजरात के बाहर 100 रुपीज़ जो है लगते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो चलिए जो है इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों को जो है अलग अलग टाइप की टॉय गन्स जो है खेलना बहुत ही पसंद आता है। मैंने तो बचपन में जो है लोहे की जो एयर गन आती है वो भी खरीदी थी और बहुत ही शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। और अभी कुछ समय पहले मैंने उसका मतलब कहाँ से उसको मतलब होलसेल में सेल करने के लिए बाई किया जा सकता है वो मैंने सर्च किया था। तो अभी जो है वही गन की प्राइस जो है मैंने मतलब आई थिंक 20 साल पहले मे भी या तो 15 साल पहले उसको ख़रीदा था, आई थिंक 20 साल तो हो ही गए होंगे। और उसकी कीमत उस टाइम पे 500 रुपये थी, जबकि वही गन की प्राइस अभी जो है 3500 मतलब 3500 रुपीज़ उसकी प्राइस है, जो कि काफ़ी एक महंगा प्रोडक्ट है आज के समय में। बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी की एयरगन चाहिए तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने बहुत शूटिंग की प्रैक्टिस की थी, मुझे बहुत ही पसंद था शूटिंग की प्रैक्टिस करना और काफ़ी मुझे आइडिया भी लग गया था कि किस तरीके से जो है शूटिंग करना चाहिए। बट उस टाइम पर क्या था कि हर कोई जो है रेस में लगा हुआ था कि भाई किस तरीके से जो है 10वीं में मार्क्स लाया जाए, 12वीं में मार्क्स लाया जाए, स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना, शूटिंग के अंदर करियर बनाना उसका कोई ट्रेंड ही नहीं था। पेरेंट्स को भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं रहता था, ना ही कोई मोटिवेशन गाइडेंस होता था स्कूल के अंदर। बस दौड़ना है, जो आपके आसपास के लोग करते हैं वही करना है, या तो IIT के लिए एग्ज़ाम क्रैक करो, MBA के लिए CAT का एग्ज़ाम क्रैक करो, वही सब इसमें चलता है, या तो विदेश चले जाओ, वही सब जो है चलता रहता है। चलिए इसको जो है हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ पे इस तरीके का भी टारगेट है, वैसे ये जो है छोटे छोटे टारगेट है, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लगाना है, आई थिंक इसके अंदर लगा के इसको दबाना होता है इस तरीके से और कर दीजिए यहाँ से शूट। ओ माई गॉड, इट्स सो पावरफुल मैन, आई नीड टू गेट बैक अ लिटल बिट। इस बार थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। बहुत ही पावरफुल और स्टर्डी जो है इसका मतलब, जो चाइना का एकदम फालतू मटेरियल आता है ना उसके कंपेयर में बहुत ही स्टर्डी मटेरियल है। और मुझे लगता है कि जो चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे उसके जैसे अगर इंडियन प्रोडक्ट्स ही बन जाए ना, तो हमको फिर डिपेंडेंसी जो है वो इतनी ना रखनी पड़े। एक मतलब मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि अभी जो है ना इंडिया के अंदर कुछ तो लोचा है जो भी है, या तो कंपनियाँ जो है कुछ ज़्यादा कमाना चाहती है, या तो उनको जो है लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, जो भी हो रीज़न। बट चाइना की जो क्वालिटी आती है ना उसके जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो है बहुत ही महंगा पड़ता है, और जो सस्ते प्रोडक्ट आते हैं वो एकदम से फालतू प्रोडक्ट होते हैं। तो वो एक आपको जो है मैन्युफैक्चरर को देखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा अभी जो है मुझे लगता है कि 1 मीटर की दूरी से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। वाह, अब इसको मैं वो भी देख लेता हूँ कि ये चिपकता है कि नहीं चिपकता है दीवार के अंदर, वो भी एक हम टेस्ट कर लेते हैं।
चिपकना तो चाहिए, देख लेते हैं एक बार फिर से। चिपक नहीं रहा है, सरफेस मुझे लगता है सही नहीं है शायद, जो भी है, या तो फिर बहुत ज़्यादा पावर इसमें से छूट रहा है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वाओ, तो ये एक चीज़ इसमें मुझे लगता है कि मिसिंग है, एक्चुअल में इसको चिपकना चाहिए कहीं पे भी, बट चिपक नहीं रहा है। बट ओवरऑल पावर जो है ना गन का बहुत ही मस्त है, और शूटिंग करने के लिए बच्चों को बहुत ही मज़ा आ सकता है। और इसके अलावा भी जो है पेपर कप होते हैं या तो ऐसी कोई भी चीज़ को स्टैक करके बच्चा जो है अपना शूटिंग का जो है मतलब टारगेट जो है उसको बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का टारगेट, तो इसको जो है आप कोई भी वेस्ट थर्मोकोल या तो फिर कार्डबोर्ड शीट होती है उसके ऊपर ड्रॉ करके बड़ा सा जो है उसको शूटिंग का वो बना सकते हैं। तो इसको जो है आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये गन जो है ना वो आप अपने बच्चों को या तो फिर आपके रिलेटिव्स कज़िन या तो फिर भांजे भतीजियाँ जो होती है उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो उस टाइम पे भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है तो उस टाइम पे भी गिफ्ट में आप दे सकते हैं। बाकी बर्थडे तो है ही जिसके ऊपर आप इसको गिफ्ट में दे सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती प्रोडक्ट है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। उसके अलावा जो है आपके बच्चों के पास और कौन कौन सी गन है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़, अगर ये वीडियो जो है पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि भाई आप जो आपके बचपन की कौन सी यादें आपके मतलब खिलौने के साथ जुड़ी हुई यादें कौन सी है, मतलब आपकी टॉय स्टोरी क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके फेवरेट खिलौने कौन से थे, आप कौन से खेल खेलते थे, जो भी आप शेयर करना चाहें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।